हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मेरा लास्ट दिन है यहाँ पर हरिपुर धार में, तो मैं फाइनली अपना हॉल वीडियो बना रही हूँ कि हमने मेले से क्या क्या लिया था। मेरे पास आधी चीज़ें यहाँ पे है, आधी चीज़ें नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आधी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी घर पे बिछा दिया है। फिर ऐसा कुछ हमने कुछ स्टफ़ लिया है मैंने जो मेरे को पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, कुछ स्टफ़ है जो कि हमने घर के लिए लिया था, तो वो सारी चीज़ें हैं। अवॉइड माई बैकग्राउंड प्लीज़, क्योंकि सबके घरों में ऐसा ही होता है। तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगी जो सबसे हमने चीपेस्ट चीज़ ली हुई है और जो अभी तक हमने यूज़ भी नहीं किया और मुझे नहीं लगता हम यूज़ भी कर पाएंगे। ये सिर्फ हमने सोचा था कि हम वीडियो बनाएंगे इसके लिए, दैट विल मेक अ वीडियो यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोडक्ट्स कौन से हैं दिखाते हैं आपको ना। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये सब कुछ 20 रुपीज़ का है। सबसे पहले हमने ये स्पॉन्ज लिया था 20 रुपीज़ का। ये स्पॉन्ज मैंने ऐसे यूज़ किया था कॉम्पैक्ट को लगाने के लिए, बहुत ही बेकार था। ये वाला यूज़ किया था मैंने, मतलब इसमें ना सारा का सारा जो मेरा प्रोडक्ट था वो इसी में लग रहा था। एप्लीकेशन फेस पे कम थी और प्रोडक्ट इसमें ज़्यादा स्टिक हो रहा था, तो ये यस मतलब पता चल रहा था कि ये 20 रुपये का ही हो सकता है। तो एक ये चीज़ थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ली थी 20 रुपीज़ की दिस इज़ आईब्रो पेंसिल। ये तो पर ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है ऐसा, मतलब बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं इससे आईब्रो बनाऊंगी अगर मैं ट्राई करती हूँ, वैसे तो मैं नहीं करती हूँ इससे ऐसे। सो इफ़ आई ट्राई टू मेक माई ब्राउज, क्या क्या होता है ना, मैंने बहुत टाइम से नहीं बनाई है ना अपनी। मैं नॉर्मल मस्कारा का लेफ्ट ओवर मस्कारा लगा देती हूँ ना, इतना मुझे ना पहले मैं करती थी। ओह माय गॉड, दिस इज़ नॉट एट ऑल वाटर प्रूफ, बट काम तो कर रही है थोड़ा। अगर मिरर में देख के शेप दूंगी तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। सो ये ठीक है, इतना बुरा नहीं है, वर्थ है। 20 रुपीज में क्या ही मिलता है तुम्हें। देन आपका है ये फाउंडेशन, दिस वन, ये तो हमने यूज़ भी नहीं किया है। इसका ऐसा कुछ एप्लीकेटर है, मैं दिखाती हूँ आपको ना, ऐसा कुछ एप्लीकेटर। अगर मैं इसको यहाँ पर लगा के देखती हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा सा लगाती हूँ, मतलब इसका कोई पिगमेंटेशन और कुछ कवरेज नहीं है। मेरा जूड़ा खुल गया ना, इस तरह मैं पहन लगती हूँ ना, फेस पे लगा रही हूँ, यहाँ लगाती हूँ। इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, लेट मी टाइम आई है, ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो चुके हैं, मुझे हेयर वॉश भी करना है, मैं कल ही करूँगी और कल मुझे अर्ली मॉर्निंग जाना भी है। उसके बाद है मतलब हम लोगों ने अपना बजट ही 20 रखा था, तो हम ये लेके आए हैं। ये बताऊँ कैसा होता है अगर किसी ने यूज़ किया है तो, ये ग्रीन कलर का, बट आप इसको लगाते हो ना तो आपके यहाँ पिंक हो जाता है। ये मैंने यूज़ किया है पहले ना, मतलब लॉकडाउन के टाइम पे ना यहाँ पे बहुत सारे लोग ये लगाते थे, पर इससे होंठ ना फट जाते हैं। जैसे अभी मैंने लगाया ना थोड़े टाइम बाद ना, ये पिंक पिंक सा लुक देगा मेरे होंठों को ना, बट इससे फट जाते हैं। पर ठीक है, 20 रुपये का। अभी देखो, अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, इतनी लाइटनिंग नहीं है, रुको मैं दिखाती हूँ ना आपको ना, कैन यू सी, इट विल चेंज कलर। काश मेरे पास ट्राइपॉड होता, मैं ऐसे करके रखती। यहाँ पे आप कचरा कबाड़ देख रहे हो, मेरे कमरे की हालत बहुत गंदी है अभी, क्योंकि आई एम जस्ट पैकिंग। तो मैं पैक करने से पहले मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया, मैं बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा ना। तो ये है, काश कोई ऐसे पकड़ता मेरा फ़ोन, आ जा काकी इधर आ, ऐसे पकड़ फोन को ना, ऐसे अच्छी आ रही है। तेरा कौन सा कमरा है? यही है तेरा कमरा वो तो बहुत शेयर रूम। और अगर आपको मेरे माथे पे बिंदी दिख, ये दिख रहा है मतलब तिलक दिख रहा है, तो हमारे घर पे पूजा आई थी तो उसका तिलक है ये, और मैंने ना गलती से, मुझे पता नहीं चला, मैंने एमए को आसे से कटने की बहुत आदत है, मैंने ऐसे से करके इसको ऊपर कर दिया था और ये पूरे से फैल गया था, तो मैंने इसे मिटा दिया था। और जो मैंने अभी ये लगाया 20 रुपये का, ये मुझे टेस्ट में आ रहा है, विच इज़ वेरी बैड, वेरी वेरी बैड, बहुत गंदा लग रहा है। तो मूविंग फॉरवर्ड, फिर हमने ये 20 रुपये की क्रीम ली थी, तो मतलब हमने सोचा था कि हम लोग स्किन केयर से लेकर पूरा लास्ट मेकअप तक हम सारे सारे वो 20 रुपये के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। तो ये क्रीम में से गू की बदबू आती है, यू विल नॉट बिलीव, मतलब यू शुड स्मेल इट। अगर आपको लग रहा है कि ये उसकी है, क्या बोलते हैं इसको, क्या होता है आपके दिल लिखा, जॉय,
जॉय की है तो ये जॉय की नहीं है, ये कोई लो पता नहीं कौन सा घटिया सा ब्रांड है जिसमें से कि पॉटी की बदबू आती है, लिटरली बहुत ही गंदी स्मेल है इसकी बहुत ज़्यादा। तो ये रहा हमारा 20 रुपये का फालतू सामान जो कि हमने इस उससे ही लिया था कि हम वीडियो शूट करेंगे, अदरवाइज हम इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले। फॉरवर्ड मैं आपको अपनी छोटी बहन का सामान दिखाती हूँ कि उसने क्या लिया है, मतलब हम दोनों ने काफ़ी हद तक सेम शॉपिंग करी क्योंकि दुकानें तो वही थी, बट स्टिल फैले हैं यहाँ पे आपको दिख सकते हैं। तो ये चीज़ तो हम दोनों ने ली थी, ये 50 के हमें 3 ये वाले वो हैंकीज मिले थे, तो ये कुछ इस तरीके के हैं जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब अगर आपको जुकाम है ना तो आपको सॉफ्ट हैंकीज यूज़ करने चाहिए ताकि आपकी जो ये नोज़ है ना ये वो ना हो, मेरी नाक तो बहुत सेंसिटिव है। ये देखो ये 3 थे, तो 3 फिर उसके बाद हमने हम दोनों ने ही ये वाले बोल लिए थे, ये हमें 20 रुपीज़ का था, सॉरी 30 रुपीज़ का, या 30। फिर ये हमें ये 20 का थे, ये 20 के थे छोटे वाले, इनका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आपको दिख रहा होगा तो, दिख रहा है? और ये क्या वाला मेरे पास भी ये वाले ना, और एक ये वाला भी है, ये भी 20 का ही है, आई डोंट नो वेयर वी अगर आई यूज दिम, बट ये मेरे नहीं है ये इसके हैं। और मैंने 100 रुपये की 5 वाली सॉक्स ली थी तो उसमें से मैंने इसको एक सॉक्स दिया ये वाला पिंक कलर का क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी है। और ये 10 रुपये के, सोचो मतलब नॉर्मल मार्केट में जाके हमें 10 रुपीज़ का एक मिलता है तो हमें यहाँ पे 10 के 6 मिल रहे थे तो हमने ये भी लिया है। तो फिर उसके बाद उसने लिए हैं ये सॉक्स, ये थे 100 रुपये के 12 सॉक्स और ये यहाँ पे हरिपुर धार के, मतलब मुझे लगता है ये सबने लिए हैं, सबने 3 3 3 3, बट इनका लेंथ छोटा है तो मुझे ऐसे सॉक्स पसंद नहीं है तो मैंने नहीं लिए थे ये इसने लिया है, मेरे भाई ने लिया है, ये बाबी ने लिए, ये सब ने लिए हैं, ठीक है मैंने तो उसके अभी तक। और फिर उसके बाद हमने लिया है ये ना कपड़ा सा है तो हमने सोचा इसकी ना ये आधा मैं लूँगी और काफ़ी थिक मटेरियल है और ये हमें कुछ 250 कितने का पड़ता है कि देखो तो ये काफ़ी थिक मटेरियल है ओवरऑल में ये सारा का सारा, तो 5 मीटर कपड़ा है ये हमें पड़ा था अराउंड 250 का था ना। तो एक अंकल थे वहाँ पे, उन्होंने 5 मीटर के कपड़ों को हमने काट काट के हमें सिर्फ 2-2 मीटर चाहिए था जस्ट फॉर द, मतलब कि अगर कुछ भी हमें एक्सपेरिमेंट करना है तो हमने 2-2 मीटर लिया क्योंकि हमें 5 मीटर नहीं लेना था, फादा पैसे वेस्ट नहीं, हमें वैरायटी ज़्यादा चाहिए थे, सिर्फ 2-2 मीटर दिया था और उन्होंने हमें दे भी दिए 50 मीटर के, 50 रुपीज़ मीटर के हिसाब से, मतलब 50 रुपये मीटर। तो फिर ये हमने 2 मीटर कपड़ा लिया था, ये कुछ इस तरीके का है, इसका जो मटेरियल है दैट इज़ क्रीप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसका ट्रांसपेरेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, इट्स नॉट एट ऑल सी थ्रू अगर आप देखोगे, और थोड़ा सा मतलब है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेची तो नहीं है पर थोड़ा सा इसमें लचक सी है इस कपड़े में ना, तो मतलब अगर मुझे कुछ ऐसा ड्रेस या फिर कुछ भी ऐसा बनाना है तो इट्स गुड, मुझे ऐसा फील होता है, बाकी पता नहीं, बाकी तो इस पर काम करके पता चलेगा। बाकी ये हमें पड़ा था 100 रुपीज़ का, ये वाला 2 मीटर कपड़ा क्योंकि ये सिर्फ 2 मीटर है पर ये काफ़ी सुंदर है, मतलब अगर आप देखोगे ना इसका कुछ ऐसा सा सूट भी बनाना हो या फिर कमीज़ कुर्ती या फिर आपको कुछ ड्रेस बनानी हो इसकी या फिर कोई टॉप बनाना हो, आपको स्कर्ट बनाना हो, तो ये मुझे मेरे हिसाब से ये सब चीज़ों में अच्छा लगेगा, सो दैट्स वाई। और अभी समर का टाइम भी है तो समर्स में ओवरऑल और प्रिंटेड मटेरियल मेरे को ज़्यादा अच्छे लगते हैं इंस्टेड ऑफ सॉलिड, तो अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो फिर हम आ गए हैं, ये लिटिल रेजेस में ये सूट ही है, मतलब आप इसको कुछ और ही बनवा सकते हो बट ये सूट ही बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, और ये बहुत ही प्यारा कपड़ा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा, इसमें है कमीज़ और कुर्ती, ये है इसकी कुर्ती, ये पूरा 5 मीटर है और ये 300 रुपये का है, 300-250 का है, डोंट नो कितने का ही है, 300-250 का है, तो ये इस तरीके से है, सॉरी इस वाली साइड को नहीं है, ये इसका बॉर्डर है नीचे और फिर क्या बोलते हैं हमारे पास है ये और फिर ये इसका नीचे का है, इसका भी सेम मटेरियल है, सिल्क मटेरियल है ये, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और थोड़ा शाइनी सा मटेरियल है एंड इसका बहुत ही सुंदर सा वो बनेगा सूट ना। और फिर उसके बाद हम लोगों ने लिया है ये एक ओवरऑल, ये सबसे महंगा है वैसे, सबसे महंगा सूट है ये है कम से कम 400 कुछ का था तो हमने बार्गेन करके 350 में लिया था। तो फिर ये 5 मीटर है और ये है सूट का मटेरियल, ये हमने अपनी बड़ी बहन के लिए लिया है,
मनीषा चौहान के लिए, मंदी दीदी के लिए, क्योंकि वो आई नहीं थी तो हमने उसके लिए कुछ लिया है। तो फिर बस ये था उसके लिए, एक ही चीज़ है उसके लिए। फिर उसके बाद मैं आपको अपना दिखा दी, ये लिया है ये बो अगेन 30 रुपीज़ का। और मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो सोच रही हूँ बनाने का, तो मैंने उसके लिए ये दो गजरे लिए हैं 20-20 रुपीज़ के। बहुत नकली और फेक है बट स्टिल कभी तो मैं यूज़ कर ही लूँगी। उसके बाद मैंने भी ये 3 हैंकीज लिए हैं, ये रहे मेरे 3 हैंकी। फिर उसके बाद मैंने वो सॉक्स लिए थे जो, ये रहे वो 2 सॉक्स ब्लैक कलर के, बिकॉज मुझे ब्लैक चाहिए होता है, और ये पिंक कलर का है बिकॉज आई लाइक पिंक। एंड देन आई हैव दीज टू बोज अगेन, बहुत प्यारे से है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ यूज़ करूँ क्योंकि मैं इतना एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, बट यू नेवर नो कब क्या मन कर जाए। तो इसीलिए ये मेरा एक पोटला है, इसे मैं बंद करके रख देती हूँ क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी है। तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कपड़े के क्या मटेरियल लिए थे। इसके अलावा मैंने मैं आपको पहले वो दिखाती हूँ कि मैंने सूट वगैरह में लिया, मतलब फुल साइज, मतलब जो मैंने 5 मीटर लिया है। उसके बाद मैं आपको कट पीसेस दिखाऊंगी जो मैंने 2-2 मीटर्स लिए हैं। तो सबसे पहला मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला, ये मैंने 200 का लिया है। ये बहुत ज़्यादा फ्लोरल और थोड़ा सा ग्रीनिश से प्रिंट में है, इट्स वेरी प्रिटी। और इसका मटेरियल भी अगेन सारा मटेरियल क्रीपी है, क्रीप जो भी बोलते हैं उसको, ये वाला है। इसके ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, सी थ्रू नहीं है, मतलब इसमें भी आपको अस्तर की या फिर जो भी लाइनिंग होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मतलब मेरे को अगर इसमें कोई फ्लूइड ड्रेस बनानी है तो मैं इसमें इजीली बना सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं ट्राई करके ही पता चलेगा। हूँ जो मैंने फुल उसमें लिया है, ये भी अगेन 200 समथिंग का है, ये वाला है। ये भी काफ़ी अच्छा मटेरियल है, आप देख सकते हो इसका मटेरियल भी सी थ्रू नहीं है, बहुत हल्का सा है, बहुत टाइनी सा, बट मतलब ऐसा नहीं है, मतलब समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट। और ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेचेबल भी है, अगर आपको दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, ये स्ट्रेच हो रहा है ये कपड़ा ना, तो ये मतलब अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेची हो ना मटीरियल तो अच्छा लगता है। तो ये कुछ इस तरीके का है, इससे मैं बहुत अच्छी सी हॉट सी ड्रेस बनाऊँगी, यू जस्ट वेयर एंड वॉच। मुझे टाइम नहीं मिला, मैं लिटरली, मैं सच बताती हूँ, मैं मशीन लेके आई थी अपने साथ यहाँ पे, मतलब मैं सोचूँ मैं इतनी दूर से यहाँ तक मैं मशीन लेके आई थी कि मैं यहाँ पे बनाऊँगी, बट यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट था कि यहाँ पे आप सुबह उठो, सफाई करो, खाना वगैरह खा के, मेहमान आ रहे हैं और हमें मेले में भी जाना है, हमें रेडी भी होना है, हमें ये भी करना है, हमें रील भी बनानी है, ये भी करना है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मतलब एक दिन तो ऐसा था जब हम मेले में भी नहीं जा पाए क्योंकि इतने सारे गेस्ट आए हुए थे, तो गेस्ट को आपके घर पर कोई गेस्ट आया तो आपको ग्रीट तो करना ही पड़ेगा, तो फिर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं, हमारे पास टाइम नहीं था, पर मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं बिज़ी होती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने कटे हुए 2-2 मीटर के कपड़े लिए हैं। तो मतलब ये मेरे को मैंने 4 लिए हैं 400 के, 50 पर मीटर। तो सबसे पहला है ये भी बहुत प्यारा सा है, मेरे को ये सारे के सारे प्रिंटेड मटीरियल है, कोई भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो कि प्लेन में हो, क्योंकि मुझे प्रिंटेड ही चाहिए थे समर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रिंटेड में ना कुछ गलती भी हो ना बनाते टाइम पे तो उतनी पता नहीं चलती जितनी प्लेन में पता चलती है। प्लेन में काफ़ी साफ दिख जाता है, इसमें थोड़ा कवर हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, अगेन सबका वेरी कर सकता है। तो ये देखिए इसका भी सेम मटेरियल है, इट्स नॉट सी थ्रू, इसको मुझे लपेटना ही पड़ेगा फिर से, ओह माय गॉड ये खुल जाए ना, ये कुछ इस तरीके का आप देखो, तो खोल के दिखा दिए ना अभी ना, कितना प्यारा सा कपड़ा है, इसकी कितनी सुंदर सी ड्रेस बनेगी। सेकेंड मेरा मटेरियल है ये, और ये सेम एग्जैक्ट बाबी ने भी लिया है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये, तो दिखाती हूँ ना, ये देखो ये वाला, ये भी सेम मटेरियल है, सेम प्राइस, एवरीथिंग सेम, इट्स सो नाइस राइट। कितना प्रिटी सा कलर है अगेन यार, कितना प्यारा है, कितना प्यारा फैब्रिक है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा फैब्रिक है, थोड़ा सा स्ट्रेची भी है, और मतलब आई कैंट वेट टू वर्क ऑन दीज। मुझे पता है आई एम नॉट एन प्रोफेशनल, बट येस मैं यूट्यूब में देख देख के प्रोफेशनल बन जाऊँगी एक दिन, और फिर मेरे को बाहर से शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बस कपड़े ख़रीद के खुद से कुछ भी बना सकती हूँ। काश मैं इतनी टैलेंटेड हो जाऊँ, हे भगवान जी ये बंगा नहीं करवा दे। उसके बाद है ये मटीरियल, ये भी सेम है, और ये थोड़ा सा पिंकिश है, थोड़ा ज़्यादा गर्लिश है, मतलब ये मैंने काफ़ी ज़्यादा देखे हैं बट मुझे अच्छा लग रहा था
क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे तो मैंने जितना ज़्यादा मैं इसमें बहुत अलग अलग कलर्स थे बट आई चोज दिस. इट्स ऑल्सो वेरी प्रिटी. इसका मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छी सी इसकी स्कर्ट बनाऊँगी, स्लिट वाली ना थोड़ी सी बनेगी तो. इट्स प्रिटी अगेन सेम मटेरियल आप देख सकते हो, थोड़ा स्ट्रेची भी है. ये देखो स्ट्रेच हो रहा है ना, ये थोड़ा सा स्ट्रेची है. इसकी बाजू मटेरियल जो कपड़ा है वो है ये. ये भी बहुत प्यारा है, मतलब आई डोंट नो ये कैमरे में कैसे दिख रहे हैं बट ये रियल में बहुत ज़्यादा प्यारे कपड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे कलर हैं, वेरी रिच कलर. अगेन दिस इज़ नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट, पीछे से ऐसा है आगे से ऐसा है. ये ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट है, स्ट्रेची नहीं है इतना ना. ठीक है बट इट्स वेरी ब्यूटिफुल, वेरी प्रिटी, लुकिंग लाइक वाओ वाओ वाओ. सो नाउ दिस इज माय लास्ट परचेज. ये एक कंफर्टर है डबल बेड का एंड ये उन्होंने कहा था कि 750 का है बट हमने बहुत ज़्यादा बार्गेन करने के बाद इसका प्राइस कम करवाया और हमने इसको 500 में ख़रीदा. इसके अंदर थोड़ा सा कॉटन सा भी फील हो रहा है, ये ऐसा है कुछ ना. ये डबल बेड का है, सिंगल बेड का वो 300 का लिया है, मतलब लेना अगर आपको लेना हो, मतलब अगर आप कैसे लोगे. मैं लूँगी काकी ने लेना था 300 का, अगर काकी के 300 में खर्च हो गया. आपकी के पास 300 भी नहीं है दोस्तों, मेरे पास भी नहीं है. और फिर ये मम्मी की शॉपिंग है घर के लिए. एक और लिया है हमने, वो हमने लिया है बहुत ज़्यादा बड़ा, वो 1000 rupees का है. और ये है 1000 का, फिर 1200 का, आई डोंट नो. फिर है ये कालीन टाइप सा है, बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. ये इतना है तो ये अभी डबल में है, कभी और खुलेगा ऐसा ही ना. तो ये लिया मम्मी ने 500 का, मम्मी और ने बहुत ज़्यादा बार्गेन करके लिया है. बहुत ज़्यादा प्रिटी है ये, बहुत ज़्यादा प्रिटी ना. मैं आपको दिखाती हूँ कमरे में, हमने वो बिछा दिया हमने वो कमरे में ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ कमरे में जाके ना. ये मैंने लिया है मीशो से कुछ 250-300 का, कितना अच्छा है ये. और इसको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है. देखो जो बड़े वाला मैं बोल रही हूँ ये रहा वो ना, इसमें इतना लग गया. तो ये रहा वो, इट्स इन ब्लू कलर. और ये पूरा का पूरा, मतलब यहाँ से लेकर ये पूरे कमरे में लगा है, यहाँ तक ना पूरे कमरे में, यहाँ पे हर जगह पे लगा हुआ है ना. एंड इट लुक्स सो प्रिटी, बहुत ही सुंदर है. ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, हमने बस यही लिया था. और वैसे मेरे भाई ने भी लिया है, उसने सॉक्स लिए हैं बहुत सारे सॉक्स, मतलब उससे लिया कम से कम 20 कुछ जोड़ा सॉक्स का, क्योंकि सॉक्स सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ थी वहाँ पे मिल रही थी जो. और उसके अलावा मम्मी ने तो यही लिया है, पापा ने पता नहीं कुछ लिया है कि नहीं, वो दिखाया नहीं, वैसे कुछ लिया नहीं उन्होंने. ज़्यादातर मेजर जो शॉपिंग है वो मैंने और काकी ने ही करी है. और शॉपिंग भी किया, मतलब क्योंकि वहाँ पे कपड़े सस्ते मिल रहे थे तो हमने ले लिए, क्योंकि 200-300 में क्या है, हम तो 200 कहीं पे भी जाके ऐसी नॉर्मली खा लेते हैं. तो इसीलिए मुझे लगा इट वाज वर्थ बाइंग, बिकॉज मैंने अब मेरा ये देख रहे हो होंठ, मतलब इट्स लिटरली लुकिंग, मैंने लिपस्टिक लगाई है क्योंकि ये इतना ज़्यादा पिगमेंटेड लग रहा है. इसका स्टी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, बस इससे होंठ काले होते हैं और इससे होंठ फट भी जाते हैं. मैं थक गई हूँ अभी ना, मेरा डबल चिन देखो गाइस. और मैं अभी डाइटिंग करने वाली हूँ घर जाके, वापस जाके. आप देख सकते हो घर पे आके मेरा स्किन थोड़ा बहुत बेटर हो गया, यहाँ पे जो पिंपल्स वगैरह थे वो चले ही चुके हैं. और कल मैं जा रही हूँ सोलन से परसों जाऊँगी मैं शिमला अपने पासपोर्ट के लिए. उसके बाद मैं वापस मोहाली जाऊँगी और मेरे पास एक दिन रहेगा सेटल होने के लिए. और उस दिन मैं सच कुछ बनाऊँगी किसी एक मटेरियल का, तो मैं आपको वो दिखाऊँगी. दिस वॉज माई लास्ट व्लॉग इन हरिपुरधार, मतलब इस वेकेशन का. इसके बाद जब हम वापस फिर से आएंगे हरिपुरधार दिवाली पे, तो फिर मैं आपको फर्स्ट हरिपुरधार का व्लॉग दिखाऊंगी विद माय फैमिली मेंबर्स ऑफ कोर्स. ओके सो बाय, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ लाइक इट देयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स.
फैमिली एंड एनीवन, बट प्लीज डू शेयर बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड अ लॉट ऑफ मेमोरी ऑफ माई फोन टू मेक सच वीडियोस गाइस. ओके बाय. हाय दोस्तों, तो हम लोग फाइनली जा रहे हैं और आप धुंध देख, धुंध देखो कितनी ज़्यादा है, मतलब रोड भी नहीं पता चल रहा है. इट्स सो डेंजरस. ये देखो, यह अब हमें जाके दिखाई दिया, अभी तक दिख नहीं रहे थे. सो गाइस, सतर्क रहे.